नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में 24 जून को होगी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति एग्जाम। झारखंड में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 24 जून को होगी। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए 5 जून तक आवेदन लिए गए। साथ ही इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय और नेतरहाट की तर्ज पर अन्य आवासीय विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा का आयोजन 25 जून को ली जाएगी। हर विद्यालय से कम 15 छात्र छात्राओं को आवेदन कराया गया है। सभी प्रक्रियाओं के लिए शिक्षा विभाग अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। बता दें कि इस योजना के लिए कक्षा 9 से 11वीं तक आयोजित होने वाली हर वार्षिक परीक्षा में संबंधित छात्रों को 60% अंक लाना होता है, तभी आगामी वर्ष के लिए वे छात्रवृत्ति पाने के योग्य माने जाएंगे। किसी भी कक्षा में चाहे वे 9, 10 या 11 में 60% अंक लाने में असफल होते हैं तो उन्हें अगले साल से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हेलमेट पहने बगैर बाइक चलाया तो सीधा घर पहुंचेगा चालान। झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक व्यवस्था ऑटोमेटिक और स्ट्रॉन्ग हो गई है। सड़क हादसों में हो रही वृद्धि के कारण ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। लोगों को अब बिना हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चलाना राजधानी रांची में महंगा पड़ सकता है। राजधानी रांची में अगर हेलमेट पहने बगैर दो पहिया वाहन चलाया तो ऑटोमेटिक रूप से चालान कट जाएगा और ये चालान उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर पहुंच जाएगा। इसको लेकर राजधानी रांची में नंबर प्लेट रीडिंग कैमरे शहर में 18 जगहों पर लगाए गए हैं। खबरों को माने तो इस व्यवस्था के तहत जो भी वाहन चालक बिना हेलमेट के इन कैमरे के जद में आएंगे, RLVD ANPR कैमरा उनके दो पहिया वाहन के नंबर प्लेट को चिन्हित कर लेंगे। साथ ही हाई स्पीड कैमरे वाहन के नंबर प्लेट की फोटो खींचेगा। इसके बाद नंबर प्लेट को स्कैन कर उसमें दर्ज एड्रेस पर चालान भेज देगा। झारखंड में एक्साइज कांस्टेबल पदों के लिए 538 पदों पर निकली वैकेंसी। झारखंड में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC एक्साइज कांस्टेबल पदों के लिए कुल 538 पदों पर विज्ञापन निकाली हैं। इसमें अनारक्षित कोटि के लिए कुल 237 पद, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 59 पद, अनुसूचित जाति के लिए 57, अनुसूचित जनजाति के लिए 148, BC1 के लिए 50 और BC2 के लिए कुल 32 पद शामिल हैं। बता दें कि झारखंड आबकारी कांस्टेबल के पद पर चयन होने के बाद हर महीने 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। बता दें कि कांस्टेबल के पद पर होने वाली भर्ती में 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की उम्र के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। चोरी का सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने पर हो सकती है 3 साल की जेल। मोबाइल फोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। अगर आप चोरी का फोन खरीद लेते हैं और पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आपको 3 वर्ष की सजा के साथ 1,00,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। बता दें कि सजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 ख के अंतर्गत दी जाती है, जिसमें सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आप कोई प्रीमियम या कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं तो सबसे पहले इस बात को जांच लें कि स्मार्टफोन बेचने वाले को आप जानते हैं। इसके अलावा फोन के ओरिजिनल बिल की मांग करें, जिस पर GST नंबर होना जरूरी है। झारखंड में 13 जून तक पड़ेगी प्रचंड गर्मी। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में आने वाले 5 दिनों में वर्षा और गर्म हवा के रुख में परिवर्तन होने की संभावना कम ही है। बताया जा रहा है कि झारखंड में 13 जून तक तीव्र गर्मी पड़ेगी और 13 जून की शाम को आसमान में बादल छाएंगे। 14 जून से मानसूनी वर्षा के शुरू होने की संभावना है। इसके बाद गर्मी से राहत मिल सकती है। बता दें कि इस बार झारखंड में मानसून के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब की बार झारखंड में 4 से 5 दिनों की देरी से मानसून इंट्री करेगा।
दक्षिणी राज्य केरल में मॉनसून के आने में देरी हो रही है, जिसके कारण से झारखंड में भी मॉनसून देरी से एंट्री करेगा। बताया जा रहा है कि 18 से 20 जून तक झारखंड में मॉनसून एंट्री करेगा। पिछले वर्ष 2022 की बात करें तो झारखंड में मॉनसून 18 जून तक प्रवेश कर गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली नौकरी के लिए 700 से अधिक विज्ञापन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो एक अच्छी खबर है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी की गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर के पद पर विज्ञापन निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 3 जून 2023 से ही शुरू हो गई थी। वहीं इस विज्ञापन के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 जून 2023 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करके सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंट ऑफिसर के पद पर निकली इस वैकेंसी में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार mha.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इस वैकेंसी के तहत अप्लाई करने की शुरुआत 3 जून को ही हो गई थी। वहीं ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 जून 2023 है, जबकि 27 जून तक जी हां 27 जून इसके लिए फीस जमा करने की अंतिम तिथि है। अब देश में टीवी और रेडियो के माध्यम से मिलेगी मौसम की चेतावनी। लोगों को मोबाइल और मैसेज के माध्यम से मौसम को लेकर अलर्ट भेजा जा रहा है, लेकिन अब जल्द ही टेलीविज़न स्क्रीन पर देश में ख़राब मौसम की घटनाओं के बारे में चेतावनी संदेश प्रसारित होंगे। यही नहीं, इस चेतावनी के लिए रास्ता बनाने को रेडियो पर चल रहे कार्यक्रमों को भी छोटा कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDAMA ने हाल ही में मोबाइल फ़ोन पर SMS भेजना शुरू किया है। इस SMS में भारी वर्षा, आंधी और लू की जानकारी दी जा रही है। चेतावनी प्रणाली के विस्तार की योजना अधिकारियों के अनुसार अब टीवी, रेडियो और अन्य माध्यमों के जरिए चेतावनी प्रणाली के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों को तुरंत सूचित किया जा सके और ख़राब मौसम से निपटने के लिए उन्हें बेहतर तरीके से तैयार किया जा सके। गौरतलब है कि इससे पहले NDAMA राष्ट्रीय आपदा चेतावनी पोर्टल व सचेत नामक मोबाइल ऐप के जरिए ऐसी प्रारंभिक चेतावनियां जारी करता था। एजेंसी ने मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और भारतीय वन सर्वेक्षण चेतावनी प्रसार एजेंसियों और राज्य सहित अलर्ट पैदा करने वाली एजेंसियों को साथ लाने के लिए कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम की परिकल्पना की थी। देश में कोरोना संक्रमण के मिले 174 नए मामले। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 174 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,91,756 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,193 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से 2 और मरीजों की मौत के बाद देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या 5,31,882 हो गई हैं। इनमें वे एक मरीज भी शामिल हैं जिनका नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़ा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी 3,193 लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.01% है। वहीं देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। देश में अभी तक कुल 4,44,56,681 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है।
30 जून है आधार को पैन से लिंक कराने की अंतिम तिथि। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आयकर विभाग चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कोई पैन कार्ड धारक 30 जून तक ये जरूरी काम नहीं कराता है तो उसका पैन डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी संबंधित व्यक्ति आर्थिक लेनदेन से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएगा। बता दें कि इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की थी, लेकिन इसके बावजूद भी देश में करोड़ों लोग ऐसे वंचित रह गए जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया। इसके बाद डेट को बढ़ा दिया गया। दरअसल पैन को आधार से लिंक कराने की कई डेट लाइन आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद आयकर विभाग ने 30 जून अंतिम तिथि घोषित की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इसके बाद भी पैन कार्ड धारक आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो ऐसे कार्ड धारकों का पैन डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।